भीड़ ने नारेबाजी कर दी। भीड़ को शांत करने के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं तो कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। हर जगह इस तरीके से कुछ हुड़दंगी होते हैं और इन हुड़दंगी के खिलाफ ही FIR दर्ज करती है पुलिस, लोकल पुलिस। और लोकल पुलिस के आला अधिकारी जिस तरीके से लगातार चेतावनी दे रहे हैं, लगातार जिस तरीके से कह रहे हैं, और देखिए अंदर जो है, अंदर भी कब्रिस्तान के अंदर चहल पहल शुरू हो गई। शायद जो आखिरी नमाज है वो अब पढ़ी जा रही है, वो अब पढ़ने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। मुख्तार अंसारी को का जो आखिरी नमाज है वो पढ़ने की यहाँ पर तैयारी हो रही है। जो मैं अंदर की तस्वीरें इस वक्त देख पा रहा हूँ, अगर युगल आप इधर की तरफ आएंगे तो पेड़ कुछ कम है, इधर से अगर हम तस्वीर दिखा पाएंगे ठीक। अब जो तस्वीरें हैं देखिए, देखिए लोग जो हैं इस दीवार पर चढ़ने, कब्रिस्तान के दीवार पे, कब्रिस्तान के पेड़ों पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं पुलिस समझाती हुई कि आप ऐसा हरकत ना करें। जो प्रोसेस है अंदर सुपुर्ते खाक का, वो प्रोसेस, उस प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है, जो हम यहाँ से तस्वीर देख पा रहे हैं। और जरा क्लोज तस्वीरें अंदर की वहाँ की दिखाइएगा, अगर आप क्लोज तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा पाए, जो वहाँ से देखिए यहाँ पर यहाँ से पुलिस को हटाती हुई, जरा सामने की तस्वीरें, यहाँ पर पुलिस यहाँ पर अनाउंसमेंट करती हुई यहाँ से लोगों को हटाती हुई यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हटाती हुई यहाँ पर से पुलिस यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम एक एक तस्वीर हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। कब्रिस्तान के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, कब्रिस्तान के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। कब्रिस्तान के बाहर का जो माहौल था, इससे थोड़ी देर पहले जिस तरीके से नारेबाजी हो रही थी, अब खुद मुख्तार अंसारी का जनाजा जो है, शव जो है, आगे बढ़ नहीं पा रहा था। काफी मशक्कत करनी पड़ी मुख्तार अंसारी के परिजनों को, काफी मशक्कत करनी पड़ी मुख्तार यहाँ के लोकल पुलिस को। और देखिए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स आगे की तरफ भीड़ में बढ़ती हुई, क्योंकि भीड़ से लगातार बीच बीच में नारेबाजी हो जा रही है। उस नारेबाजी को कंट्रोल करते हुए लगातार कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। और उस भीड़ में आगे पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है अंदर दाखिल होती हुई, जिससे कि भीड़ कंट्रोल में रहे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो। अंदर प्रोसेस शुरू हो चुका है। कब्रिस्तान के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर का प्रोसेस देखिए शुरू हो चुका है। जरा क्लोज शॉट, पेड़ पौधे हैं, शायद उतने अच्छी तरीके से हम विजुअल नहीं दिखा पाए जो, लेकिन मैं इस वक्त अपने आंखों से देख पा रहा हूं जो अंदर का प्रोसेस है, वो उस प्रोसेस की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। ओवर टू यू आनंद। देखिए मैं आपको सीधे यहां पर एक्सक्लूसिव बातचीत कराता हूं। सुपुर्दे खाक हो गया, जो जानकारी मिल रही है, शक समाधान है, सुपुर्दे खाक हो गया मुख्तारी अंसारी का। जी जी जी। और कितनी देर पहले हुआ है? अभी हुआ। तो देखिए ये बता रहे हैं कि सुपुर्दे खाक हो चुका है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये सीधी तस्वीरें मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे। अंदर के लोगों ने जानकारी दी है कि सुपुर्दे खाक मुख्तार अंसारी का हो चुका है। देखिए यहाँ पर परिवार के लोग, स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद है। और अब देखिए धीरे धीरे यहाँ से लोग बाहर निकलेंगे, जो मट्टी है वो उनके कब्र पर डाली जा रही है। देखिए ये सीधी तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिव अंदर की दिखा रहे हैं कि अब यहाँ से लोग धीरे धीरे वापस बाहर निकलना शुरू हो रहा है। तो देखिए ये सीधी तस्वीरें जो है मुख्तार अंसारी का जो शव है वो यहां पर लाया जा सकता है, और उसी के आसपास का समय था जब मुख्तार स्थानीय लोग जो है वो लगातार यहां पर भीड़ लगाए हुए हैं। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है वो खराब ना हो। और देखिए फातिया भी जो है उसकी कार्रवाई अंदर शायद पड़ी जा रही है। फातिया जो एक रस्म होती है जो है कब्रिस्तान में दफनाने के बाद कब्र में, वो तमाम चीजें जो है अंदर, वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और अब देखना होगा कि जो परिवार है वो कितनी देर के भीतर जो है यहाँ से कब्रिस्तान के बाहर निकलेगा। और ये सड़क पे लगातार जो पुलिस और प्रशासन है वो लगातार मौजूद है, अंदर भी पुलिस के अधिकारी मौजूद है। कब्रिस्तान की अंदर की तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन सुनील यादव, आप कैमरे का फोकस है बिल्कुल सामने, आप जहां पर भीड़ देख रहे हैं वहीं पर मुख्तार अंसारी की कब्र कल खोदी गई थी, करीबन 7.5 फीट की, उसके उनके ही पास में उनके रिश्तेदारों की, उनके माता पिता की कब्रें, उनका पुश्तैनी ये कब्रिस्तान है कालीबाग, जिसका नाम है कालीबाग कब्रिस्तान, वहां पर भी जो है अब सुपुर्द खाक मुख्तार अंसारी को कर दिया। परिवार के रिश्तेदार देखिए जो मौजूद है, और यहाँ पर देखिए जो एक प्रक्रिया रस्म होती है उसके बाद वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, कि किस तरह से यहाँ पे परिवार के सदस्य जो है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है।
देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी तक सुपुर्द खाक नहीं हुआ है मुख्तार अंसारी, सुपुर्द खाक नहीं हुआ है मुख्तार अंसारी की जो तस्वीरें मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर फातिया पढ़ने का जो रीति जो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अभी किया जाएगा, उसके लिए वहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है। फिलहाल मुख्तार अंसारी का शव जो है उसके माता पिता के पास रखा गया, क्योंकि जहाँ पर मुख्तार अंसारी का कब्र की खुदाई हुई है ठीक उनके बगल में उनके माता पिता का शव है, वहां पर उनका कब्र है। और यहाँ पर देखिए ये जो कब्रिस्तान आप देख पा रहे हैं ये कब्रिस्तान खानदानी कब्रिस्तान है मुख्तार अंसारी के परिवार का, अंसारी परिवार का। और जो फातिया पढ़ने की जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस अभी पूरी की जाएगी और इस प्रोसेस के बाद ही मुख्तार अंसारी सुपुर्द खाक होंगे। सुपुर्द खाक जैसे ही होंगे जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो अंदर हैं मुख्तार अंसारी के रिलेटिव, मुख्तार अंसारी के परिजन, मुख्तार अंसारी के बेटे, वो लोग कब्रिस्तान से बाहर निकलेंगे। उसके बाद जैसे ही वो लोग बाहर निकलेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो स्थानीय लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं वो अंदर जा सकेंगे। पुलिस ने सख्ती का इस्तेमाल कर रही है, पुलिस जो है बल का इस्तेमाल कर रही है। जरा ये तस्वीरें दिखाइए, पुलिस भीड़ को पीछे खदेड़ती हुई जरा देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें केवल न्यूज 18 इंडिया पर, पुलिस भीड़ को पीछे खदेड़ती हुई यहाँ पर देखिए और पुलिस भीड़ को पीछे खदेड़ रही है, कह रही है कि आपको जाना पड़ेगा पीछे, आप लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं। कोई कब्रिस्तान के दीवार पे नहीं चढ़ सकता है और कोई कब्रिस्तान के दीवार के ग्रिल के आसपास भी ना रहे, पीछे हटिए आप लोग। और पुलिस यहाँ पर सख्ती से इन लोगों से डील करती हुई, क्योंकि लगातार रुक रुक कर इसी भीड़ से इन लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर लागू है, यहाँ पर आचार संहिता लागू है। अगर भीड़ की वीडियोग्राफी हो रही है जो लोग भी नारेबाजी करेंगे उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। भीड़ पीछे जाती हुई, क्योंकि पुलिस जब बल प्रयोग करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जब बल प्रयोग करते हैं तब तक ये भीड़ पीछे जाती है। उसके बाद जैसे ही ढिलाई थोड़ा सा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान करते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान करते हैं, उसके बाद जो है ये भीड़ एक बार फिर से आगे आ जाती है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं भीड़ पीछे की। दूसरे परिजन है वो फिलहाल दूसरे तरफ यहाँ पर कब्रिस्तान में आए हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम जो मुख्तार अंसारी के परिजन है वो दूसरे तरफ आए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि फातिया पढ़ने की जो प्रक्रिया है उसकी वो शुरू हो रही है, फातिया पढ़ने की प्रक्रिया जो है वो किसी भी पल यहाँ पर शुरू हो रही है। मैं जो तस्वीरें यहाँ से देख पा रहा हूँ मौलवी साहब जो पूरी प्रोसेस को करते हैं, वो मौलवी साहब जो है इस वक्त अंदर शव के पास मौजूद है। जरा अगर क्लोज शॉट आप दिखा पाए युगल, हम जानते हैं कि काफी मुश्किल है क्योंकि पेड़ पौधे काफी ज्यादा है और हर कब्रिस्तान की इसी तरीके की तस्वीर होती है, पेड़ पौधे होते हैं। लेकिन ये तस्वीरें जरा आप देखिए और कब्र के पास फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी वहां पर शव के पास बैठा हुआ है और मौलवी को भी हम यहां पर देख पा रहे हैं। जरा मेरे पास आइए युगल, यहां से आप एक क्लोज शॉट दिखा पाएंगे। जरा पैन करिए उस जगह जहां पर हम देख पा रहे हैं मौलवी को साहब को देख पा रहे हैं, सिर पे पगड़ी है और शव के पास वो बैठे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर जो फातिया पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो किसी भी पल शुरू हो सकती है। अंदर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीरें कि किस तरीके से कब्रिस्तान में काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि पेड़ पौधे यहां पर लगातार हैं। लेकिन हम कब्र के पास मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया गया है, जो फातिया है वो पढ़ लिया गया है। उनके बेटे अभी हमने देखा यहां पर आके गमगीन माहौल में इसी पार्क में बैठे हुए थे, कुछ लोग उन्हें यहां से उठा के ले गए हैं। और देखिए यहां पर अब जो है पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं उन्हें वापस अपने अपने घरों में जाने के लिए पुलिस उनसे अपील कर रही है। भारी जो फोर्स है वो आपको यहां पर नजर आ रहा है और हजारों की तादाद में जो लोग हैं उनका हुजूम यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहां पर इकट्ठा है। और मेरे कैमरा पर्सन लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से अभी परिवार के लोग यहां पर, ड्रोन भी देखिए यहां पर उड़ाया जा रहा है यहां पर, और वीडियोग्राफी भी जो है पुलिस लगातार चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी कर रही है। देखिए ये सीधी तस्वीर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ये देखिए व्हील चेयर जहां पर रखी हुई है वही मुख्तार अंसारी की देखिए कब्र है, जहां पर देखिए मट्टी पड़ी हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, परिवार के कुछ सदस्य यहां पर लगातार मौजूद है। देखिए
यहाँ पर जो है कपड़े जो है एक शख्स कपड़ा हिलाता हुआ आपको नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक व्हील चेयर भी रखी हुई नजर आ रही है, परिवार के एक सदस्य के लिए यहाँ पर आई थी। और किस तरह से देखिए ये मट्टी जहाँ पर नजर आ रही है यही कब्र है जो मुख्तार अंसारी की, जिसकी तस्वीर हमने आपको कल भी दिखाई थी, जिसे खोदा जा रहा था। करीबन 7.5 फीट की जो कब्र है जिसे खोदा जा रहा था, वहां पर परिवार के लोग मौजूद है। देखिए और अब लोगों को अंदर जाने की इजाजत दे दी गई है, लोग अंदर जा रहे हैं। देखिए कब्रिस्तान के अंदर लोगों को जाने की इजाजत कुछ लोगों को दी गई है। और उसके बाद देखिए ये सीधी तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा है। पुलिस यहाँ पर लगातार कानून व्यवस्था बनाने की अपील लोगों से कर रही है। जो एडिशनल एसपी है वो खुद यहाँ पर मौजूद है। देखिए इस वक्त ड्रोन पहली बार मुख्तार अंसारी के कब्रिस्तान के ऊपर ड्रोन की तस्वीरें जरा दिखाइए, ड्रोन की तस्वीरें। अब ड्रोन से है जो निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि भीड़ पीछे की तरफ चली गई है। ड्रोन के जरिए वीडियोग्राफी हो रही है, ड्रोन के जरिए यहाँ पर देखिए पुलिस ने सख्ती कर दी है, लोगों को पीछे हटा रही है। ड्रोन के जरिए यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन अभी यहाँ उड़ता हुआ दिखाई दिया और फिर ड्रोन जो है भीड़ के ऊपर चली गई है, जिस तरीके से लगातार देखिए सख्ती से लगातार वीडियोग्राफी जो हो रही थी। अब यहाँ पर देखिए हर किसी का नाम भी नोट किया जा रहा है डायरी में, यहाँ नाम भी नोट किया जा रहा है। लगातार एक शख्स जो है यहाँ ऊपर चढ़ गया है, जिनसे कहा जा रहा है कि आप उतरिए, आप ऊपर कैसे चढ़ गए, आपके ऊपर FIR दर्ज किया जा सकता है। और इन्हें उतारा गया। पुलिस ने जब सख्ती से इस्तेमाल किया तो लोगों ने अपना चप्पल छोड़कर, चप्पल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई है, चप्पल किस तरीके से लोग छोड़ के भाग गए, तो पुलिस ने सख्ती का इस्तेमाल किया, चप्पल की तस्वीरें दिखाई है। ये चप्पल की वो तस्वीरें हैं जो यहाँ पर लोग छोड़ के भागे हैं, क्योंकि अंदर लोग कब्रिस्तान में जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, हल्का बल प्रयोग पुलिस ने इस्तेमाल किया। उसके बाद लोग यहाँ से जब हटे पीछे की तरफ तो अपने अपने चप्पल यहाँ पर छोड़ गए। और देखिए अब ड्रोन जैसे ही उड़ा पब्लिक जो है पीछे की तरफ चली गई है, पुलिस ने और कड़ाई कर लिया है। डीएम गाजीपुर कब्रिस्तान के गेट पे मौजूद हैं और कह रही हैं कि अब कोई आए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिनका लिस्ट में नाम है नियम से जो रहेंगे, नियम के मुताबिक ही यहाँ पर काम होगा। जिनका लिस्ट में नाम है, जिनका मुख्तार अंसारी परिजनों ने नाम दर्ज कराया है लिस्ट में, उन्हीं को अंदर जाने दिया जाएगा। मना किया था ना, जब घर पे ना हो तो नो बदमाशी। आज यहाँ पर